दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं स्वयं सहायता समूह में आने वाली एक नई नौकरी के बारे में। जी हां दोस्तों, शिक्षा सखी की नौकरी क्या है, शिक्षा सखी की योग्यता क्या है, कार्य वेतन, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे और स्वयं सहायता समूह में आने वाले हर एक अपडेट को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आता रहता हूँ। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि आने वाले समय में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मोबाइल फ़ोन भी दिए जाने की पूरी प्रक्रिया सरकार के द्वारा पूरी की जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, स्वयं सहायता समूह की दीदियों को अब मोबाइल फ़ोन भी दिया जाएगा। दोस्तों इसके बारे में हम लोग विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एक और दरख्वास्त करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप घंटी का बटन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे, जी हाँ दोस्तों घंटी का बटन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं कहीं मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों एक निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सरकार के द्वारा मुफ्त में मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। क्या स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव या समूह की दीदी सबको मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा? मोबाइल फ़ोन सरकार के द्वारा क्यों दिया जा रहा है? स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए क्या योग्यता होगी? स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सही समय पर सही अपडेट क्यों नहीं दे पाती हैं? मोबाइल फ़ोन का क्या स्पेसिफिकेशन होगा? इन सभी चीज़ों को भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि समूह सखी को इस पद की वरीयता मिलेगी, किसकी? शिक्षा सखी की। शिक्षा सखी कौन है, कौन बन सकता है, इसकी योग्यता, कार्य वेतन और शैली, इन सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहां तक मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं, क्या समूह सखी को इस पद की वरीयता मिलेगी? दोस्तों आपने सही सुना, अगर आप स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अवसर निकल के सामने आ रहा है, जिसके द्वारा आप सरकार के द्वारा दिए गए नौकरी को पा सकती हैं। अगर आपने समूह सखी के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जो मैंने समूह सखी पर बनाया है। समूह सखी की दीदी को लेकर हर एक चीज़ उसमें मैंने बताया है, कैसे आपको रजिस्टर बनाने हैं, कैसे आपको सरकार के द्वारा दिए गए योजनाओं को अपने समूह में बताना है। दोस्तों शिक्षा सखी की अगर हम ज़रूरत जानें तो आने वाले समय में सरकार के द्वारा हर एक महिला सदस्य जो भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं या नहीं जुड़ी हैं, उन लोगों को साक्षर बनाना है। जी हाँ दोस्तों, पढ़ा लिखा बनाना है, आपने सही सुना है, पढ़ा लिखा बनाना है। तो अगर हम लोग योग्यता की बात करते हैं तो आने वाले समय में शिक्षा सखी बनाने के लिए सरकार के द्वारा सिर्फ लिखित परीक्षा ही नहीं, आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। समूह सखी का काम क्या होगा? आने वाले समय में समूह सखी को ही शिक्षा सखी बनाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो भी समूह सखी होती हैं वो उस स्वयं सहायता समूह की सबसे शिक्षित महिला होती है, क्योंकि समूह सखी को बैंक संबंधी ब्लॉक स्तर पर जाकर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में जाकर सभी कामों को बखूबी करने आना चाहिए। तो वाकिफ सी बात है कि समूह सखी को ही शिक्षा सखी बनाया जाएगा, या फिर अगर आपके समूह में कोई ऐसा सदस्य है जो समूह सखी से अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा जानकारी रखता है, तो वो शिक्षा सखी बन सकता है। क्या समूह सखी एक रजिस्टर तैयार करेंगी और कहाँ जमा करेंगी, यानी कि काम क्या करेंगी? दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले आप अपने समूह में सभी सदस्यों से हस्ताक्षर लीजिए और सभी सदस्यों से सहमति लीजिए कि आप लोगों में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, या कितने लोग निराक्षर हैं, कितने लोग साक्षर हैं, यानी अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों लोगों का एक रजिस्टर बनाइए और उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने का काम आप शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप संबंधित ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, उस रजिस्टर को दिखाएंगे, वहाँ से आपका जो भी मानदेय होगा वो अप्रूव होगा। किस चीज़ का मानदेय? जो भी आपने एक शिक्षा सखी रहकर काम किया है, यानी फिर उसी दिन से आपको सरकार के द्वारा संबंधित जिला कार्यालय में जो भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी हैं वो आपको शिक्षा सखी बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शिक्षा सखी का अगर मानदेय हम लोग जानना चाहते हैं तो आने वाले समय में जल्द ही सरकार के द्वारा
एक शासनादेश जारी किया जाएगा जिसमें शिक्षा सखी के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते मुझे मोटिवेशन मिलता ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। आगे मैं बात करता हूं आप लोगों को बताने के लिए कि स्वयं सहायता समूह की किन महिला सदस्यों को मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। दोस्तों आने वाले समय में जिस तरीके से आधुनिक डिजिटलीकरण, जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से टेक्नोलॉजी, किस तरीके से प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन से ही नहीं लैपटॉप कंप्यूटर और सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं। सब लोगों का एक फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उस ग्रुप के माध्यम से आप अपने सभी महिला सदस्यों से चर्चा कर सकते हैं, आप अपने अधिकारियों से बात कर सकते हैं, जो भी शासनादेश जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की आती हैं उससे आप सही समय पर अवगत हो सकते हैं, उससे आप सही समय पर सूचित हो सकते हैं। तो आने वाले समय में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सही समय पर अपडेट करने के लिए सरकार के द्वारा एक समूह के सदस्य को मोबाइल दिया जाएगा, लेकिन जिस समूह के सदस्य को मोबाइल दिया जाएगा उसको मोबाइल चलाने बखूबी आना चाहिए। और जहां तक मोबाइल का खर्चे बर्चे का सवाल है तो आने वाले समय में सरकार कुछ इस तरीके से प्रतिबंध करेगी, कुछ इस तरीके से प्रबंध करेगी कि आपको मोबाइल फ़ोन का खर्चा भी दिया जाएगा, लेकिन सरकार तभी आपके ऊपर निवेश करेगी जब आप आने वाले समय में काफ़ी अच्छे से उत्पादन करेंगे। उत्पादन का मतलब है अगर आपका समूह 3 साल पुराना है और अगर आपका समूह के सभी सदस्य पंचसूत्र का पालन करते हैं, जो भी समूह को चलाने के लिए 5 सूत्र का पालन सरकार के द्वारा बनाया गया है, 5 सूत्र का नियम, अगर उन सभी नियमों का आप लोग पालन करते हैं तो आने वाले समय में सरकार आपको मोबाइल फ़ोन ज़रूर देगी। और अगर मैं बात करूं फिर से शिक्षा सखी के बारे में तो दोस्तों जहां तक आने वाले समय में सवाल निकल के आ रहे हैं कि आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश बैंकिंग का स्वर्ण सखी जो ग्रामीण बैंकिंग ढांचागत क्रम को काफ़ी मजबूती प्रदान करें, ठीक उसी तरीके से मनरेगा महिला मेट जो आपके मनरेगा श्रमिक हैं, हर 50 श्रमिकों पर एक मनरेगा महिला मेट की तैनाती की गई है, उसमें भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी गई है। आने वाले समय में पंचायत सहायक में भी काफ़ी मात्रा में महिलाएं हैं, तो किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत अभियान और नारी शक्ति अभियान के तहत सरकार सभी महिलाओं को साक्षर बना रही है, सभी महिलाओं को रोज़गार दे रही है, इस चीज़ पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप लोगों को सही समय पर सही योजनाओं से अपडेट होना होगा। इसी चीज़ का एक माध्यम है सरकार के द्वारा आपको मोबाइल फ़ोन दिया जाना और आपके समूह में एक शिक्षा सखी की नियुक्ति करना। दोस्तों उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोग के लिए ला सकूं। दोस्तों वीडियो के अंदर बहुत बहुत एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुँचे। दोस्तों वीडियो के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।